हेलो दोस्तों, मूवी कर आपका स्वागत करता है। आज की हमारी रोमांटिक मूवी है विदाउट सेइंग गुड बाय। इस मूवी की एंडिंग बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। फिल्म स्टार्ट होती है और हम अपने मूवी के मेन कैरेक्टर सेल्वाडोर को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। वो एक आर्किटेक्ट है और पिछले कुछ सालों में उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि तुमने इतने कम समय में इतनी सारी चीजें कैसे कर ली। तब वो बताता है कि मेरा एक फिक्स्ड रूटीन है जिसे मैं कभी स्किप नहीं करता। मैं अपने काम के लिए बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ और मैं एक वर्कोहोलिक हूँ। वो जिस कंपनी में काम करता है वो उसके फादर की कंपनी है। उसके फादर उसे बहुत बड़ा एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट देते हैं। जहाँ पर सेल्वाडोर को होटल बनवाना था वो उस साइट पर जाता है और वहाँ की सारी लैंड देख लेता है। ये सिटी उसे बहुत अच्छी लगती है। वो अपने फादर से कहता है कि यहाँ बहुत अच्छा होटल बनेगा। अब वो लोग एक पार्टी रखते हैं। अब सेल्वाडोर को अगले 2 साल इसी सिटी में रहना पड़ेगा। वो घर पर पहुंचता है और देखता है कि नेबर में एक पार्टी चल रही है। वो भी वहाँ चला जाता है। वहाँ पर सिंगिंग डांसिंग चल रही है। वहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सी लड़की है जिसका नाम है एरियाना। उसकी सिंगिंग सेल्वाडोर को बहुत अच्छी लगती है। एक लेडी उसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे टिंडर डेट हो, लेकिन सेल्वाडोर मना करता है। फिर वो उस लेडी जिसका नाम है ओपरी उससे पूछता है क्या तुम उस लड़की को जानती हो। वो कहती है कि वो मेरी बेटी की तरह है। सब लड़कियां जब डांस कर रही थी तब सबने अपने पीछे एक कागज लगाया था और कैंडल लेकर अगर कोई आदमी उस पेपर को आग लगा देगा इसका मतलब वो लड़की उस आदमी में इंटरेस्ट ले रही है। वो उससे कहती है कि तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। सेल्वाडोर ट्राई करता है और एरियाना उसे यहाँ आग लगाने देती है। डांस के बाद सेल्वाडोर एरियाना के पास गया। वो अपने पेंट को अरेंज कर रही थी तब गलती से यह सेल्वाडोर के शर्ट पर गिर जाती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि ये उसका लकी जैकेट था। वो एरियाना को कहता है कि तुम्हारी सिंगिंग और डांसिंग बहुत अच्छी थी। एरियाना बताती है कि यहाँ सदियों से डांसिंग और सिंगिंग चली आ रही है। जब भी कोई कंट्री में यहाँ आकर सेटल होता है तब वेलकम करने के लिए हम डांस करते हैं। बातों बातों में एरियाना को पता चलता है कि सेल्वाडोर भी यही रहने आया है। ऑपरिन उनके पास आती है और बताती है कि वो एरियाना की आंटी है। वो कहती है कि इनका अच्छे से ख्याल रखना, ये हमारे नए गेस्ट हैं। एरियाना एक फ्री स्पिरिट है, उसे अलग अलग जगह पर घूमना और अलग अलग लैंग्वेजेस सीखना बहुत अच्छा लगता है। वो सेल्वाडोर को उसका रूम दिखाती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होती है। एरियाना कहती है कि वो मुझ पर डिपेंड करता है। सेल्वाडोर कहता है कि मैं तुम्हें ड्रिंक ऑफर करना चाहता था। एरियाना उससे कहती है कि मुझे हैंडसम लड़के पसंद नहीं। सेल्वाडोर भी मजाक में कहता है कि मुझे भी पसंद नहीं है। एरियाना कहती है कि तुम्हारे वेलकम के लिए हम ड्रिंक्स ले सकते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। एरियाना बताती है कि मैं सिंगल हूँ और मैं लाइफ में कमिटमेंट नहीं चाहती। सेल्वाडोर भी कहता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन जब कमिटमेंट का मौका आएगा तब मैं कर भी सकता हूँ। यहाँ ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। सेल्वाडोर एरियाना के करीब आ जाता है। वो उससे कहती है कि मैं फर्स्ट डेट पर किस नहीं करती। सेल्वाडोर उससे कहता है कि हमने तो डेट की ही नहीं है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और वहीं पर प्यार भी कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सेल्वाडोर जब एरियाना से मिलता है वो कहता है कि पिछली रात बहुत मजेदार थी। ओपरी को यहाँ दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। एरियाना जो भी काम कर रही थी सेल्वाडोर उसका पीछा कर रहा था। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कितने दिनों के लिए आए हो। वो कहता है 1-2 साल तो रुकना ही है। एरियाना पूछती है कि क्या तुम छुट्टी में हो। तब सेल्वाडोर बताता है कि मैं यहाँ होटल बनाने आया हूँ। वो उसे अपना काम भी दिखाता है, लेकिन एरियाना इम्प्रेस नहीं होती। उसे नेचर के अगेंस्ट जाकर बड़ी बिल्डिंग्स बनवाना पसंद नहीं है। सेल्वाडोर का प्लान था कि वो उनके ही हॉस्टल को बाय करेगा और वहीं पर होटल बनाएगा। ये सुनकर एरियाना बहुत गुस्सा होती है। वो उससे कहती है कि तुम इस सिटी को तोड़ने आए हो, हम वो हॉस्टल कभी सेल नहीं करेंगे। वो जाते जाते कहती है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होगा। सेल्वाडोर का जो भी प्लान है इसके बारे में एरियाना ने एब्री को बताया। वो उसे समझाती है कि हर वक्त डेवलपमेंट बुरी नहीं होती, शायद लोगों को इसकी जरूरत है। एरियाना कहती है कि ये घर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरे पेरेंट्स की निशानी है। हॉस्टल में एक वाटर हीटर की जरूरत थी इसलिए सेल्वाडोर ने एप्री को गिफ्ट दे दिया। वो लोग उस जगह के ब्लूप्रिंट को डिस्कस कर रहे थे। जब एरियाना इस चीज को देखती है वो बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम इसे सेल कैसे कर सकती हो। एब्री को लग रहा था कि एरियाना और सेल्वाडोर के बीच में फाइट हुई है, इस वजह से वो
गुस्सा है। दो तीन दिनों तक एरियाना अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। सेल्वाडोर उससे कहता है कि तुम दिन में भला कैसे सो सकती हो। एरियाना कहती है कि मैं हमेशा रोबोट की तरह काम नहीं कर सकती। एक दिन खुदाई करते वक्त सेल्वाडोर को एरियाना का बचपन का एक बॉक्स मिलता है जिसे देने के लिए उसके पास जाता है। एरियाना उसको देखकर बहुत इमोशनल होती है क्योंकि ये उसकी बचपन की यादें हैं। वो अब भी सेल्वाडोर पर बहुत गुस्सा है। इस बॉक्स में उसके पेरेंट्स की फोटोज हैं। ये देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट डे सेल्वाडोर एरियाना के पास आता है। वो कहता है कि मुझे इस जगह को घूमना है, क्या तुम मुझे घुमा सकती हो। एरियाना कहती है कि जरूर तुम्हें इंस्टाग्राम के लिए फोटोज लेनी होगी। यहाँ का टूर मैं तुम्हारे लिए अरेंज करवाती हूँ लेकिन ये बहुत ही हार्ड है, 4-5 दिनों का इसके लिए समय लगेगा। सेल्वाडोर इसके लिए रेडी है। अब टूर अरेंज होता है और इनके साथ 5-6 लोग आने वाले थे लेकिन वो लोग वहाँ नहीं आते और जो लोग वहाँ आए थे उनकी तबीयत बहुत खराब थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थे। किसी के ना आने की वजह से वो टूर कैंसिल होने वाला था। तब सेल्वाडोर कहता है कि मैं सभी के लिए पे कर सकता हूँ लेकिन मुझे जाना है। यहाँ एरियाना उसका मजाक उड़ाती है, तुम्हें लगता है कि तुम पैसों से कुछ भी कर सकते हो। फिर इनका टूर स्टार्ट होता है। वो लोग लोकल प्लेसेस में जाकर शॉपिंग करते हैं। एक लेडी एक चीज दिखाकर उनसे कहती है इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। सेल्वाडोर कहता है कि इसे एरियाना को दे दो। अब दोनों दोबारा अच्छे से बातें करने लगे हैं। तब सेल्वाडोर कहता है कि मैं होटल बनवाने वाला हूँ लेकिन तुम्हें इससे इतनी प्रॉब्लम क्यों है, तुम जरा सोचो, उससे टूरिज्म बढ़ जाएगा और बहुत सा प्रॉफिट भी होगा। एरियाना कहती है कि इस प्लेस की ब्यूटी यहाँ के कल्चर में है ना कि अलग अलग जगहों में और मैं इस कल्चर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती। ये कहकर वो उस पर गुस्सा हो जाती है। तब सेल्वाडोर कहता है कि तुम मुझसे एग्री नहीं हो लेकिन तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत भी नहीं है। सेल्वाडोर एक चर्च देखता है और वहाँ जाना चाहता है लेकिन एरियाना कहती है कि मैं गॉड पर बिलीव नहीं करती, हेवन से उसकी मदर उसका ख्याल रखती है, मैं इसी चीज पर बिलीव करती हूँ। फिर ये लोग अलग अलग जगह पर हाइकिंग करने जाते हैं। इसके बाद वो इंस्टाग्राम के लिए फोटोज लेते हैं। रात में इन्होंने कैंप फायर किया। ये दोनों खुले आसमान के नीचे लेटकर बातें करते हैं। एरियाना उससे कहती है कि तुम्हारा 7-स्टार होटल ऐसी फीलिंग नहीं दे सकता। ये दोनों हाइकिंग करते हुए बहुत दूर आ जाते हैं। सेल्वाडोर कहता है कि हमारा टूर तो बहुत छोटा था। एरियाना कहती है कि इस मूवमेंट में जो ब्यूटी है मैं उसे फील करना चाहती हूँ और मैं इसी को एंजॉय करना चाहती हूँ। सेल्वाडोर कहता है कि मुझे भी बचपन में म्यूजिक बहुत पसंद था। म्यूजिक में पैटर्न्स होते हैं और इन्हीं पैटर्न्स की वजह से मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगने लगा। इसके बाद मैं आर्किटेक्चर में चला गया। एरियाना उससे कहती है कि बिजनेस की वजह से तुम गलत राह पर आ गए हो और वो उसके पास बैठकर मेडिटेशन करने लगती है। सेल्वाडोर कभी भी शांत नहीं बैठ सकता था। वो उसे मसाज देकर रिलैक्स होने के लिए कहती है। थोड़ी देर में ही वो सो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है वो ये सब बिलीव नहीं कर पाता कि वो दिन में ही सो गया था। एरियाना कहती है कि इसी तरह नई चीजों को डिस्कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्वाडोर हमेशा ही अपने काम को लेकर चिंता में रहता है। यहाँ एरियाना कहती है कि मैं हर दिन के लिए जीती हूँ और जी भर के जीती हूँ, मुझे किसी भी चीज के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो दोनों बातें करते करते ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। वो इस पल को कैद करते हैं। वहाँ पर एक कोरियन कपल भी आता है जो उनकी फोटो लेने के लिए हेल्प करता है। उन्हें लगता है कि एरियाना और सेल्वाडोर मैरिड हैं। सेल्वाडोर भी कोरियन में उनसे बात करता है और उन्हें भी उनकी मैरिज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। एरियाना कुछ नहीं समझ पाई थी इसलिए सेल्वाडोर उसे सब कुछ बताता है। एरियाना कहती है कि मैं प्यार और शादी में बिलीव नहीं करती, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उतना ही तुम हर्ट भी हो जाते हो। हाइकिंग करते करते सेल्वाडोर के फोन में नेटवर्क आ जाता है। उसे उसके फादर और कंपनी से बहुत सारे मेल आए होते हैं। एरियाना कहती है कि यहाँ पर तुम्हें फोन से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। वो उससे फोन छीनने की कोशिश करती है लेकिन वो फोन टूट जाता है। इसके लिए एरियाना बहुत सॉरी कहती है लेकिन इस बात से सेल्वाडोर बहुत अपसेट हो जाता है। एरियाना कहती है कि इससे तुम अपने एडिक्शन से बच सकोगे। सेल्वाडोर कहता है कि पिछले 5 दिनों से मैंने मोबाइल यूज नहीं किया था, मुझे कोई भी एडिक्शन नहीं है, मैं सिर्फ अपनी कंपनी के काम को लेकर थोड़ा चिंतित था। वो कहता है कि हर कोई तुम्हारी तरह बेफिक्र नहीं जी सकता। एरियाना उससे कहती है अगर तुम गुस्सा ना हो तो मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगी। ये उस माउंटेन पर बहुत सुंदर सा स्विमिंग पूल था। सेल्वाडोर ने एरियाना की बॉडी पर एक स्कार देखा। वो कहता है कि जो स्कार कुछ रिप्रेजेंट करते हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। अब वो दोनों स्विमिंग करते हैं। सेल्वाडोर उससे पूछता है कि तुम हमेशा अलग अलग जगह पर जाती हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता। एरियाना कहती है कि एक्सप्लोर
करने में बहुत मजा आता है। उसे कब कहाँ जाना है वो कभी भी डिसाइड नहीं करती, वो अलग अलग जगहों पर जाते रहती है। सेल्वाडोर उसके करीब आता है, तब एरियाना कहती है कि हमने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। सेल्वाडोर उससे कहता है अब हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। उन दोनों को ही पता था कि दोनों को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, लेकिन वो दोनों इस मूवमेंट को एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए वो दोनों प्यार करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग टूर आगे बढ़ाते हैं और वो एक हाईएस्ट माउंटेन में पहुंचते हैं। वो बहुत ही सुंदर था। फिर एरियाना उसे किस करती है, तब सेल्वाडोर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे प्यार में पड़ रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ये सब बातें वो मजाक में करता है। इस टूर के खत्म होने के बाद ये लोग वापस आने के लिए रेडी होते हैं। घर आते वक्त बहुत बारिश होती है, बस भी बहुत तेज चल रही थी। बस के ऊपर पत्थर पड़ने की वजह से उसका कांच टूट जाता है। ये देखकर एरियाना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और वो वहीं नीचे उतर जाती है। अब वो उसी हालत में घर आती है। ओबरी उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों में दोबारा झगड़ा हो गया। सेल्वाडोर उस बस में क्या हुआ था वो सब कुछ बता देता है। वो पूछता है कि एरियाना को क्या हुआ है। वो बताती है कि जब वो 13 साल की थी तब उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इस एक्सीडेंट में सिर्फ एरियाना बच पाई थी। तब से उसे एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है। अगले दिन से फिर से सेल्वाडोर काम पर लग जाता है। कॉल ना उठाने पर सेल्वाडोर के फादर उसे बहुत डांटते हैं। वो बताते हैं कि वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए उन्हें परमिशन नहीं मिल रही है, इसलिए सेल्वाडोर को वहाँ आकर वहाँ के ऑफिशियल से मिलने के लिए कहते हैं। वो ऑफिशियल उससे कहता है कि तुमको जो कुछ चाहिए वो हम कर सकते हैं, लेकिन तुम उसके बदले में मुझे कितने पैसे दोगे। लेकिन इस तरह बिजनेस करना सेल्वाडोर को पसंद नहीं है, लेकिन उसके फादर के प्रेशर की वजह से उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एरियाना पूरे दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलती। तब उसकी आंटी उसके पास आती है। वो कहती है कि कुछ खाओ, कभी भी हील नहीं हो पाते। एरियाना अब भी अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती है। थोड़ी देर बाद जब उसे अच्छा लगने लगता है तब वो घर से बाहर आती है। तभी वहाँ पर सेल्वाडोर भी आ जाता है। वो काम करके थक गया था इसलिए वो उसका मसाज कर देती है। एरियाना बताती है कि आज शाम को एक फेस्टिवल है और इसमें सेल्वाडोर भी जाना चाहता है। रास्ते में इन्हें बहुत से फूल दिखते हैं। सेल्वाडोर कहता है कि यहाँ मुझे हमेशा सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। फिर ये दोनों फेस्टिवल को ज्वाइन करते हैं जहाँ पर उन्हें अलग अलग खाना और म्यूजिक मिलता है। वहाँ सभी लोग बहुत खुशनुमा थे। सेल्वाडोर वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाता है। वो चीजों को टेस्ट करता है और वहाँ डांस भी करता है। एरियाना उसका मजाक उड़ाती है कि तुम्हारा डांस बहुत अच्छा था। अब इन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है। रात को सेल्वाडोर के फादर उसको मैसेज करते हैं और उससे कहते हैं कि अब तक तुमने लैंड की डील कंप्लीट नहीं की है, कल तक अगर तुमने इस डील को फाइनल नहीं किया तो तुम इस प्रोजेक्ट को भूल जाना। सेल्वाडोर अप्री के पास आता है, लेकिन वो समझ चुकी थी कि वो उसके पास क्यों आया है। वो कहती है कि जगह बहुत खूबसूरत है, मैं मरने के बाद यहीं दफन होना चाहती हूँ और एक पेड़ के रूप में दोबारा जीवित होना चाहती हूँ। सेल्वाडोर उनसे कहता है कि हम आपको जितने पैसे देने वाले हैं उनसे आप बहुत सारी जमीन बाय कर सकते हैं और दोबारा सब कुछ बना सकते हैं। उसका ये ऑफर देखकर ऑपरी भी सोच में पड़ जाती है। शाम को एरियाना पियानो के पास कैंडल लगा रही है। सेल्वाडोर उसके पास आकर पियानो बजाने लगता है। ये दोनों बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक बजाते हैं और गाना भी गाते हैं। अगले दिन एरियाना ने एप्री की चीजों में सेल्वाडोर का ऑफर देखा। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। एप्री कहती है कि हम कहीं और दोबारा ये सब चीजें बना सकते हैं, लेकिन एरियाना कहती है कि इस जगह से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। वो इस बात से बहुत हर्ट हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। एप्री कहती है कि तुम हमेशा ऐसे नहीं भाग सकते, तुम्हें एक जगह पर कभी न कभी सेटल होना ही पड़ेगा। फिर एरियाना वहाँ से चली जाती है। उसे जाते हुए सेल्वाडोर देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में निकल जाती है। तभी वहाँ सेल्वाडोर के फादर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं इसे कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। अगर यहाँ की ओनर इस जगह को सेल नहीं करना चाहती थी तो उसे तुम ज्यादा पैसे ऑफर करते और सारे काम हो जाते। तभी वहाँ पर एप्री आती है और सेल्वाडोर को कहती है कि मुझे अकेले में बात करनी है। सेल्वाडोर के फादर उसे डबल अमाउंट का ऑफर देते हैं, लेकिन वो इसके लिए मना कर देती है। वो उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते। तब सेल्वाडोर उनसे कहता है कि आप दूसरों के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। तब उसके फादर कहते हैं कि हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, यहाँ पर करोड़ों की डील होने वाली है। सेल्वाडोर कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत से पैसे हैं, हम कहीं और भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उसके फादर ये बात मानने के लिए रेडी नहीं थे। सेल्वाडोर कहता है कि अब मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकता और वो अपनी कंपनी क्विट कर
करता है। फिर वो ऑपरी से पूछता है कि एरियाना कहाँ मिलेगी। वो बताती है कि उसे जहाँ भी अच्छा लगता है वो वहाँ चले जाती है, वो कहीं भी हो सकती है। सेल्वाडोर उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है। एप्री ने कहा उसे हमेशा से पुन्नो जाना था, इसलिए फिर सेल्वाडोर तुरंत एरियाना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एरियाना की ट्रेन निकल चुकी थी इसलिए फिर वो अगली ट्रेन में जाता है। बहुत लंबे सफर के बाद वो पुन्नो तक पहुँचता है और वो हर जगह पर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। ये जगह बहुत ही बड़ी है। वो समुद्र के पास आ जाता है और एरियाना ने उसे जैसा बताया था वो उस तरीके से मेडिटेट करता है। कुछ यूट्यूबर्स वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, तब वो उनसे उनके बारे में पूछता है। उन लोगों को कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। इस बात के लिए सेल्वाडोर मना करता है। वो अभी भी एरियाना को ढूंढना चाहता था। तब उसे लगता है कि समुद्र में स्विमिंग उसे ट्राई करनी चाहिए, ये बहुत ही ठंडा पानी था। फिर भी सेल्वाडोर अंदर जाता है। एक दिन एरियाना गलती से सेल्वाडोर के फोन को चार्जिंग में लगा देती है। ये वही फोन है जो गलती से टूट गया था। तभी सेल्वाडोर को उसकी लोकेशन मिल जाती है। वो जल्दी से वहां के लिए भागता है और उन यूट्यूबर से लिफ्ट लेता है। वो अपनी स्टोरी उनको पहले ही बता चुका है। वो कहते हैं कि एरियाना ने तुमको कन्विंस कर दिया कि तुम्हें वहां होटल नहीं बनाना चाहिए, उसने तुम्हें अच्छे काम के लिए बदल दिया है। वो वहां पहुंचता है और एरियाना से मिलता है। वो उसे वहां देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है। सेल्वाडोर कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दे दूंगा और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। वो कहता है कि मैंने अपना काम छोड़ दिया है और अगले एक साल में छुट्टी में रहूंगा और अब तुम्हारी जगह पर होटल नहीं बनेगा, अब मुझे समुद्र के पास ही रहना है। एरियाना और सेल्वाडोर को ही बीचेस बहुत पसंद है। वो कहता है कि मुझे भी यहीं रहना है। वो कहता है कि हम दोनों को मिलकर यहाँ पर घर बनाना चाहिए। वो उसे काइट सर्फिंग के लिए लेकर जाना चाहता था। एरियाना उससे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटिबल हैं? सेल्वाडोर कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, अब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हम उनको काइट सर्फिंग के लिए जाता हुआ देखते हैं और वो अपनी लाइफ एडवेंचरस वे में जीते हैं। इसी के बाद ये प्यारी सी मूवी एंड हो जाती है।